लड़की के साथ अश्लील बातें करने को लेकर पीड़ित परिवार ने मना किया तो हुआ खूनी संघर्ष। सरनी रायबरेली जनपद के थाना सरनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धूरे मऊ के रहने वाले पीड़ित परिवार ने आज दिनांक 27 अप्रैल 2021 को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक लिखित शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि गांव के रहने वाले दबंग व अराजक तत्व जैसे लोग उमेश चौरसिया पुत्र रामविलास मैंग पुत्र उमेश चौरसिया किशोर चौरसिया पुत्र शिवराम मुन्ना चौरसिया पुत्र हीरा लाल चौरसिया निवासी ग्राम धूरे मऊ थाना सरनी तहसील लालगंज जनपद रायबरेली ने कई महीने से पीड़ित की पुत्री को परेशान किया व गंदी गंदी बातें कर रहा था, उसका जीना मुश्किल कर दिया। प्रार्थनी की पुत्री ने पिता से सारी बात बताई तो समाज के डर से पीड़िता ने मात्र उनके घर वालों से बात कही और अपना बेटे को समझा दो कहकर कि मेरी पुत्री को परेशान न करें। जिस बात को लेकर दबंग विपक्षियों द्वारा 22 अप्रैल 2021 को रात लगभग 9 बजे लाठी डंडों से लैस होकर पीड़ित के घर पर दोनों बेटे और पुत्री सभी लेटे थे कि अचानक मारपीट चालू कर दिया व भद्दी भद्दी गालियों के साथ मारा पीटा, जिससे पीड़ित परिवार को गंभीर चोटें आई, जिसकी शिकायत थाना सरनी को किया, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, न ही मेडिकल हुआ। उल्टा पीड़ित परिवार के ऊपर 151 का चालान कर दिया। अतः इस संबंध में पीड़ित परिवार ने जिला अधिकारी रायबरेली को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने व मेडिकल कराए जाने तथा जान माल की सुरक्षा करवाए जाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव टीवी इंडिया 18 रायबरेली। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम कालीदीन है। अच्छा, कहाँ से आए हो? धूरे मऊ से। अच्छा, थाना कौन लगता है? सरनी। तहसील? लालगंज। क्या मामला हुआ है? मामला सर मारपीट हुआ रात में, 9 बजे रात को घुस के मारा हमको, हमारी लड़की को, और थाना गए तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारी डॉक्टरी हुई, उन लोगों की डॉक्टरी भी हुई, उनका इलाज सब हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, और 151 में चालान भी कर दिया, तो यहाँ SB ऑफिस आए। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं होगी फिर कहाँ जाएंगे? अब देखो साहब, लोग जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। अच्छा।